आप लोग से दिल से एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि गणेशी वहाँ ब्लॉग करेगी, मैं यहाँ ब्लॉग करूँगा, और दोनों का ब्लॉग अपलोड होगा, मतलब अलग अलग अपलोड नहीं होगा, एक ही ब्लॉग होगा। एक दिन में हम जो करेंगे वही अपना लाइफ स्टाइल दिखाएंगे एक ही वीडियो में। तो मैं यहाँ ब्लॉग करूँगा, वो वहाँ ब्लॉग करेगी। तो अब बताओ कैसे लगेगा आप लोग से, आप लोग यदि सजेस्ट करोगे इस चीज़ को कि हाँ दोनों का ब्लॉग, मतलब कि दोनों का लाइफ स्टाइल दिखाओ करके, तो हम दिखा सकते हैं। बस आपके ऊपर है गाइस, आप बताओ आप क्या करना है। और आज का जो ब्लॉग है इसमें गाइस गणेशी का कुछ क्लिप्स है, कुछ क्लिप्स मेरा है, तो आपको पसंद आएगा। तो बताना आज कैसा लगा। तो आई होप आप प्यार दिखाओगे अपने छोटे भाई को, प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो बताओ, हाँ बताओ वो चीज़ को बताओ कि हम कैसे करें, मतलब दोनों का मिक्स डालें या ना डालें, तो ये चीज़ को बताओ। हाँ, और पूरा देखना वीडियो को। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? देखो समझ आ गया? हाँ, तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊँ? तो दीदी के क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन होमवर्क दिया ना, तो ये तो चीटिंग है ना, उनने होमवर्क दिया तो मैं फिर मैं सॉल्व कर दूँ? तो दीदी आपका भी तो दिमाग बढ़ेगा, दीदी बुद्धि बढ़ेगा। कि हम लोग अकेले अकेले ब्लॉग कर रहे हैं, गणेशी वहाँ ब्लॉग करती है, मैं यहाँ ब्लॉग करता हूँ, तो बहुत जल्दी हमारा दोनों के साथ ब्लॉग आएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज हम लोग आए हैं खेत साइड, तो हम लोग आए हैं अपने मेहनत का खून पसीना का आज भुट्टा तोड़ने आए हैं। एक बार तो तोड़ के ले गए थे, आज दूसरी बार है, अपने मेहनत का फल है वो मिलता है तो बहुत सुकून आता है। और चलो देखते हैं कितना कैसे हुआ है। ये नहा रहा था नदी में, वही आदमी है गाइस, पहचानो इसको। पूरे छलांग मार मार के नहा रहा था। और कभी जाएंगे नहाने के लिए, खाने के लिए तोड़ रहे हैं, खाना बहुत जरूरी है, बाद में नहीं खा पाएंगे। अपने मेहनत का तो कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और दो दिन से ऐसे हो रहा है ना कि हमारे यहाँ बारिश ही बारिश हो रहा है, पूरे जंगल सा बन गया है। देखो इतना बड़ा बड़ा घास उग गया है ना कि नीचे कुछ भी हो सकता है। पापा बोला है अंदर का तोड़ने के लिए, साइड का नहीं तोड़ना करके। गाइस देखो इतना हाइट है हमारा भुट्टा, तो भुट्टा के अभी अंदर हम लोग घुस गए हैं भुट्टा तोड़ने के लिए। डर लगता है यार, कहीं अजगर रपट के झपट लेगा तो फिर कैसे करेगा सलीम? हाँ, कहाँ चिल्लाने जाएगा? हम लोग तोड़ रहे हैं, एक झोला तोड़ेंगे, बड़ा वाला झोला लाए हैं, और आज खाएंगे भाई, आज अपने मेहनत का। तो देखो ऐसा हुआ है, इसमें दाना कितना है वो तो घर में जाके दिखाएंगे, दाना कैसे हुआ है। यार सलीम भाई, सलीम हमारा साथ दे रहा है तोड़ने में, कैसे सलीम, मजा आ रहा है तोड़ने में? हाँ। इसे बेचने भी लेंगे, तो अभी तो फिलहाल खाएंगे, पहले पेट पूजा कर लेंगे, उसके बाद कभी बेचेंगे तो अलग बात है। सलीम भाई भी मेहनत कर रहा है इधर पकड़ने में, कैसे सलीम? घर वालों को पता ही नहीं है, घर वाले बोल रहे हैं कि अरे हुआ नहीं है। तो अभी देखो सूख गया है अंदर में ना, सूखा वालों को खाने से मज़ा नहीं आता है, और जितना इसमें वो रहता है बच्चा, जितना इसका वो रहता है उतना मज़ा आता है खाने में। अरे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है यार घास फूस, इसका जो झाड़ी है पूरा जंगल बन गया है। इसमें कोई अंदर में रहेगा ना और चोरी करेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन चोरी करके हमारे भुट्टा ले गया। तो ऐसा है बीज, देख लो ये है गाइस, सूख गया है ना। ये जो इसका पत्ता अगर शरीर में टच होगा ना तो फिर ये खुजाता है, और काटता भी है त्वचा को, ये पूरा खतरनाक तरीका से। कितना किलो हो जाएगा? 8-10 किलो चोरी करके ले रहे हैं हम लोग। ये हमारा नहीं है गाइस, किसी और का है, ये हमारा ही है। आप लोग देखे भी होंगे क्योंकि ये इसको लगाए थे तब तो इसका ब्लॉक नहीं था, बट कई बार दिखाया था, यहाँ पे बीच में टमाटर था। तो अभी हम लोग बाइक में आए हैं, और जो रास्ता है ना पूरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे बाइक बहुत मुश्किल से लाए हैं। सो ये रहा हमारा टमाटर, अभी इसमें फल आना शुरू हो गया है, अभी फल आ रहा है। तो सलीम भाई थोड़ा मेहनत कर रहा है पकड़ने में, मदद करूँ क्या पकड़ने में? सक देगा? चल ठीक है, तो कोई बात नहीं, तेरे को खिलाता हूँ आज पूरा भुट्टा ही भुट्टा, भुट्टा भुट्टा पूरा धुआं निकलेगा। ये ऐसा ब्लॉग रहता है कि गणेशी ब्लॉग बनाती है, तो कई ऐसा दिन होता है ना कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाता हूँ, तो गणेशी अपलोड करती है, गणेशी की साइड बनता है। तो आप लोग दोनों में प्यार दिखाइएगा क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो और दिल से। और मैं जानता हूँ कि आप जो प्यार करते हो, हम दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और हम दोनों को देखना चाहते हो, मैं जानता हूँ। हम लोग अभी दूर हैं तो इस वजह से साथ साथ में ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, तो कोशिश करूंगा कि साथ में ब्लॉग लाने का, बट
बहुत जल्दी वो टाइम आएगा कि हमेशा हम साथ साथ में ब्लॉग बनाएं गणेशी के साथ। आप सपोर्ट करो क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ प्लीज़ आपके छोटा भाई को सपोर्ट करो गाइस। और दोनों वो भी ब्लॉग बनाएगी, वो भी ब्लॉग डालेगी, तो उसमें भी आप अपना प्यार दिखाओ और मैं जो बनाता हूँ मेरे ब्लॉग में भी आप प्यार दिखाओ। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा सा अब सह लो हमारा जुदाई को, उसके बाद तो फिर जो आएगा वो तो नेक्स्ट लेवल होगा, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस अभी मिलते हैं डायरेक्ट घर में क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और नीचे पूरे कीचड़ कीचड़ है। थैंक यू सो मच डॉली, मेरे पास बहुत दिमाग है। बट इट्स नाइट, तो गाइस देखिए ऐसे मटकते रहते घर में लड़कियाँ, कुछ हो ना हो जब भी कुछ नया चीज आए तो उसको पहन पहन के देखते रहती है, ऐसे गोल गोल घूमते रहती है। मेरी भाभी है, हमारी भाभी है वो भाई टीचर और पहले पढ़ाते थे ना भाभी? अब कौन कौन सा क्लास पढ़ाते थे? प्राइमरी स्कूल। तो जिसको भी यदि क्लास लेना रहेगा तो कांटेक्ट करो, भाभी पढ़ाएगी उसको, बहुत अच्छा पढ़ाती है और बहुत मस्त पढ़ाती है। हमारा भुट्टा जो उबल रहा है अभी, और ये जो गैस में तो ये पकेगा ही नहीं, इसलिए हम लोग इसको आग से पका रहे हैं। हम लोग को कराऊंगा होम टूर, और होम टूर हमारा ये जो कच्चा मकान है इसमें का होम टूर कराऊंगा, और इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में जो एक प्रकार का मोटिवेट आप ही हो जाओगे, मेरा हमारे लाइफ का जो स्ट्रगल लाइफ सुनोगे तो प्लीज़ जल्दी वो वीडियो आएगा, मज़ा आएगा। ये पूरा टूर कराऊंगा इस घर का और बताऊंगा यहाँ का कहानी, बहुत बड़ा रहस्यमयी कहानी है हमारे घर का। इसके लिए अलग वीडियो लेके आएंगे, आगे बताऊंगा ना, इसके लिए अलग वीडियो लेके आएंगे और पूरा डिटेल से बताऊंगा कि आप भी ताकि जानो कि लाइफ में क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग से मतलब कि आगे बढ़ते हैं लोग, कैसे कैसे तुम आपके लिए मोटिवेशनल होगा, वो हमारे लिए तो है मोटिवेशनल। हमारा जो किचन है गाइस गणेशी के बिना पूरा खाली है, यहाँ खाना नहीं बनता है, ऊपर ऊपर घर में कच्चा घर में बनता है, तो पूरा खाली, मतलब कि कोई एक नहीं रहता है ना तो पूरा राउंडअप खत्म हो जाता है, पूरा मजा खत्म हो जाता है। यहाँ मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं, तभी जाते हैं, भुट्टा को लगा दिए थे पकने के लिए, शाम पक गया होगा। सो देखो मस्त गरम गरम है ये, यहाँ पे मम्मी पकड़ के आ रही है। मम्मी अपने मेहनत का खाने से कितना मजा आता है? मजा कितना मजा आता है मस्त मजा। यहाँ पे मम्मी लाई है, प्रिस्का भी पकड़ी है। ए, हा, 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 दे दर। खुद का मेहनत का है गाइस, तो खुद का मेहनत में मम्मी मेरा जो कमाए है हर बार कमाए है। तो इसको लगाने वाला क्रेडिट मम्मी को और पापा को और किसको? छोटू भैया को। छोटू भैया को मतलब अमन को। छोटू भैया को तो और ज्यादा सब्सक्राइब दे दो सब्सक्राइब दे दो हमारा यहाँ भूली भी वेट कर रहा है। अरे भूली वेट कर रही, लग रहा है? अच्छा लग रहा है मम्मी? स्वाद है कभी नहीं, बहुत ज्यादा, मेरे को तो मजा आ गया। तो हम लोग मस्त अभी खा रहे हैं। पड़ा मत मार, तेरे को पहुंचा दूंगा स्वर्ग। तो गाइस मेरा खाना सब्जी अब बन चुका है, अब हम आपको दिखाएंगे जब हम खाएंगे, लेकिन अभी मेरा टाइम है कि मैं पढ़ूं क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है गाइस। कब से? 26 से मेरा एग्ज़ाम है और अभी चार ही दिन मेरे पास है गाइस, चार दिन में पता नहीं मैं कैसे पढ़ूंगी, कुछ भी नहीं आता। ये गाइस हमारा खाना, दिस इज़ वेरी टेस्टी। डॉली खा के बताएगी कैसा लग रहा है ना डॉली? तो गाइस मैं तो खा चुकी हूँ और अभी मैं थोड़ा सा पढ़ाई करूँगी, थोड़ा सा फ़ोन चलाऊँगी और फिर सो जाऊँगी। तो गाइज आप लोग भी खाइए और पढ़ाई कीजिए, आपका जो भी काम है उस पर मन लगाइए, अच्छे से करिए और रेस्ट लीजिए। मेरी तरफ से बाय। आई होप आज का जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो क्या करना है? लाइक करना है, चैनल में आए तो सब्सक्राइब करना है, और अच्छा लगे तो आपके भाई को शेयर करो, फैला दो यार पूरे वीडियो को, बस क्या बोलूँगा। आप दिल से ही दुआ करता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ कि आज आपके लिए अच्छा ब्लॉग लाने की, बट कई दिन ऐसा हो जाता है कि बोरिंग सा ब्लॉग आ जाता है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा आपके भाई को थोड़ा समझा यार। तो उम्मीद बाद में ना इतना अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा कि आपको मजा आएगा, तो प्लीज़ छोटा भाई को सपोर्ट करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करके फैला दो। बाय।